बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको दे रही हूँ चने दाल की रेसिपी। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, एक टमाटर, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाले। ये मसाले वाली दाल बनेगी। ये घी रख दिया मैंने घी डाल दिया है इसमें। अब साथ ही प्याज डालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चने की दाल मैंने उबाल के रख ली है, 15 मिनट के लिए मैंने उबाल ली थी। ये देखिए अभी ब्राउन नहीं हुआ, ब्राउन होता है ना फिर, अभी 2 मिनट हो गए ब्राउन करते हुए, अभी नहीं ब्राउन हुआ। देखें अब प्याज ब्राउन हो गया, इसमें अब ये लहसुन डलेगा, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही ये टमाटर है। दो बूंद पानी के बाद डाल दें, मसाले डालने हैं। हाफ चम्मच से मैं कम डाल रही हूँ नमक, मैंने दाल में भी डाला था जब उबाली है ना दाल सब। एक चम्मच मिर्च का डाल रही हूँ, हाफ चम्मच गरम मसाले का और थोड़ी सी हल्दी। और ये मसाले भून, अब मैं आपको मसाला भून के ना 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। 5 मिनट मैंने इस मसाले को भूनना है। ये मसाला अब माशाल्लाह से भून गया है, ये देखें पकना शुरू हो गया। अब मैं दाल डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये खड़ी खड़ी हो गई और गली हुई है, ये देखें ये इतनी गली हुई है। बस इसे 2-3 मिनट के लिए ना हल्की आँच पे रखना है। ये मैंने लेमन जूस अब डाला है, ये मसाले अच्छी तरह इसमें रख दें। पाँच मिनट हो गए इसे, अल्हम्दुलिल्लाह से ये तैयार हो गई है। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी दाल चने की तैयार हो गई है। ये मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।